तब पानी वानी कुछ नहीं दिया। जब पापा जी की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई फिर पापा जी को कॉन्स्टेबल ने जीएस अस्पताल में भर्ती करने को कहा। इन हत्याओं के बाद ना जाने कैसे ये चुप बैठ जाते हैं और धीरे धीरे इनकी गलतियों पर पर्दा भी पड़ जाता है और भुगतना पड़ता है मृतक के परिजनों को कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर लगा लगा कर। पूछताछ और फर्जी एनकाउंटर के नाम पर न जाने कौन इनके लिए लीपापोती करते हैं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का जो इनकी करतूतों को फौरन वायरल कर देते हैं, फिर चाहे वो एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की बात हो या झांसी के पुष्पेंद्र यादव की कहानी। अब जरा इस मासूम बच्चे की बात सुन के, इसके पिता को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। ये बच्चा बाहर खड़ा होकर अपने पिता के सिर्फ पुकार ही सुन पा रहा था। अब आप पूछताछ करी, पापा जी ने सब सच बोला। जब भी उनमें पेचकस फावले के डंडे और फट्टे 6-7 पुलिस वालों ने बजाए थे, पापा जी की आवाज़ आई थी, बाबूजी, साहब जी, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर ही खड़ा था, मैं सब सुन रहा था। पापा जी को टॉयलेट वॉलेट आ रहा था, पानी वानी कुछ नहीं दिया। जब पापा जी की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई फिर पापा जी को कॉन्स्टेबल ने जीएस अस्पताल में भर्ती करने को कहा। तीन पुलिस वाले जब गाड़ी में बैठाए तो मैं भी था। पापा जी के बिल्कुल लाल कर रखे थे बजा बजा के। जब धचकी आती थी तो पापा रोते थे, तो जो गाड़ी में बैठे थे वो ना गाली बकते थे। जब चले गए आगे जीएस में तो एक दो इंजेक्शन लगाए। पापा कह रहे थे जब भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है कोई बचा लो, कोई डॉक्टर उनकी बात नहीं सुन रहा था। फिर प्रधान जी, मैं, सतीश ताऊ और भी हमारे गाँव के 2-3 उनकी गैल, फिर मैं आ गया। फिर मुझे आगे की पते नहीं फिर क्या हुआ था। मामला है हापुड़ जिले का, जहां पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत का किस्सा सामने आया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की थर्ड डिग्री देने से युवक की मौत हो गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। मेरे भाई के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है सर। पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से मेरे भाई को पिटाई की है। उनकी पिटाई करने के बावजूद भी बड़ी बेरहमी के साथ मारा है उन्हें। उनके साथ उनकी तबीयत खराब हो गई मार पिटाई के साथ, तो उन्हें जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया सर। वहाँ उनके और ज़्यादा तबीयत खराब होगी सर, तो उन्हें वहाँ ले जाके फिर यहाँ मेरठ रेफर कर दिया गया सर, जहाँ उनकी मृत्यु होगी सर। क्यों मारा था, किस लिए उठाया था, क्या वजह रही सर? एक मर्डर केस में जिसमें शक के दौरान उठाया गया था सर, जबकि उस मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं थे सर। घर से उठाया गया था? नहीं, उन्हें मेरे फोन द्वारा बुलाया गया था सर। क्या क्या के बुलाया गया था? उनसे झूठ बोल के बुलवाया गया था कि मेरी बाइक का पंचर हो गया है, अब भैया तुम यहाँ आ जाओ। इन तस्वीरों में योगी पुलिस की बर्बरता है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। पुलिस ने प्रदीप को बहुत मारा है। उनका बेटा राहुल सब कुछ बाहर खड़ा सुन रहा था। वहीं पुलिस अधिकारी से जब इस मामले में बातचीत हुई तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि युवक की पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि प्रदीप को बेरहमी से मारा गया था। पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, उसको हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उसकी हालत में कुछ सुधार ना होते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कराया गया। वहाँ उसकी आज 12 बजे के बाद आज 1 बजे अर्ली मॉर्निंग तड़के उसकी मृत्यु हो गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।